What's up YouTube, welcome to another blog guys, और most awaited video जो सभी की requirement थी guys आ चुकी है MT-15 के ऊपर। It has been like 6 months now जब से हमने purchase किया bike को, और ये video होगी most important जो modifications और जो basic requirements होती हैं हर rider की उसके ऊपर जो हमने modifications इसके ऊपर की हैं। तो guys मिलते हैं bike के owner से, और शोएब भाई वेलकम बैक टू द ब्लॉग गाइस। हाउ आर यू यू गाइस, व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप। और भाई शोएब भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एमटी के साथ? या मतलब 6 महीने हो गए इसको अभी तक, मुश्किल से निकलते, पहली सर्विस ही हुई है, दूसरी सर्विस अब होगी। एग्जैक्टली कितने किलोमीटर आपने क्लॉक कर लिए बाइक के साथ? 4600 मतलब बाइक ने मतलब अराउंड 5000 किलोमीटर होने ही वाले हैं। तो यानी कि जो सेकंड सर्विस है वो 5000 रुपए जाती है इसकी। हाँ, बस जा रहे हैं हम, बिल्कुल अब जाने वाले हैं सेकंड सर्विस की तरफ इसके। उसकी भी वीडियो आपके पास आएगी। एग्जैक्टली सही बात बोली है शोएब भाई ने, उसकी भी वीडियो हम आपके पास लेके आएंगे गाइस। और यार ये वाली जो वीडियो है एमटी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत टाइम से हम सोच रहे बनाने की, बट टाइम और शोएब भाई मिल नहीं पा रहे थे हमसे तो रह गई, बट आज एट लास्ट हमें ये टाइम मिला है। तो शोएब भाई सबसे पहले बात करते हैं बाइक के ऊपर मॉडिफिकेशंस क्या क्या हुई हैं, आप ये बताइए। गाइस बेसिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन जो मैंने कराई है, जो मुझे लगता है एक राइडर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे मेन और सबसे जो सबसे आपको दिख रही होगी वो है क्रैश गार्ड। ओके गाइस, बाइक में लग चुकी है क्रैश गार्ड। तो ये क्रैश गार्ड शोएब भाई कहाँ से लगाई और कितनी की आपको पड़ी है? क्रैश गार्ड मैंने करोड़ बाग से लगाई है, ये अराउंड मुझे 1000 रुपीज की पड़ी है। 1000 रुपीज की, वाह भाई वाह, मतलब देख के लगता है कि यार इस क्रैश गार्ड की बिल्ड क्वालिटी से लगता ही नहीं है 1000 रुपीज की है। प्रॉपरली ये स्लाइडर्स लगे हुए हैं क्रैश गार्ड के ऊपर। और तो इससे भी चीप एंड चीप है प्रोडक्ट, बट वो मैं रिकमेंड करता हूँ वो आप मत लगाए, क्योंकि वो जो है उसका मटेरियल बहुत हल्का है और वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एग्जैक्टली भाई, वेट आई कैन अश्योर यू दैट अराउंड से 500-600 ग्राम का आराम से होगा, ठीक है। तो वो उसके इम्पोर्टेंट करता है, क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है एक, जो मैं बता सकता हूँ कि ये इसने मेरी बहुत ज़्यादा अच्छे से जान बचाई है, ठीक है। तो क्या हुआ था, एक सीन मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ कि जब एक बार मैं ऐसे राइड कर रहा था, जैसे नॉर्मल राइड डे टू डे राइड होता था, ऑफिस जा रहा था, तो ऑल ओवर सडन क्या हुआ, मैं अराउंड स्पीड ब्रेकर पे था, तो स्पीड ब्रेकर पे ऑब्वियसली आता हम स्लो होते ही हैं, 10-15 की स्पीड में थे। सही बात भाई। तो पीछे से एक कार, एक सिटी वाला आया, पता नहीं कहाँ कौन सा ध्यान में था ना क्या पीके रखा होता, आई डोंट नो, बट उन भाई साहब ने क्या किया, स्पीड ब्रेकर देखा नहीं और उन्होंने आके मेरे पीछे से साइलेंसर में उन्हें मार दी। ओहो, मतलब साइलेंसर पे सीधा के गाड़ी मारी है। हाँ, बट थैंक गॉड कि मैंने टाइम पे मैंने एक ये क्रैश गार्ड और कुछ बहुत मॉडिफिकेशन करा रखी थी, बट ये क्रैश गार्ड ने बहुत ज्यादा मेरी जान बचाई है। मतलब क्रैश गार्ड ने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल कर भी चुके हैं, कर चुके हैं, क्या बात है, क्या बात है। और मतलब बाइक पे मतलब मुझे लगता भी नहीं एक स्क्रैच भी आ रखा है, मतलब पूरा वेट ये बाइक के क्रैश गार्ड उठा लेते हैं। और मतलब आपकी बाइक देखो, मतलब एक लाइन तक नहीं खींची हुई है यहाँ पे, तो इसकी 10 से 20 होगी 20-25 होगी, बट एक स्क्रैच नहीं। दैट्स ग्रेट यार, मैं खुद हैरान हूँ क्रैश गार्ड पे कोई स्क्रैच नहीं आया, क्या बात है यार। मतलब क्रैश गार्ड की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और क्रैश गार्ड अपना काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। नाइस नाइस। और ये आपने लिए हैं करोलबाग से 1000 के। हाँ। तो गाइस अगर आपको लेने हैं, हम आपको लिंक दे देंगे करोलबाग से, आपको कहाँ मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप जरूर से देख लेना। और बताइए शोएब भाई सेकंड मॉडिफिकेशन क्या हुई है अभी? सेकंड मॉडिफिकेशन मैंने लगाई है लीवर प्रोटेक्टर। ओके, तो बाइक में लग चुके हैं लीवर प्रोटेक्टर्स गाइस, मतलब ये दोनों साइड की तरफ लगे हुए हैं। नाइस nice. मतलब इससे यार बाइक का लुक भी बहुत एग्रेसिव हो गया है, मतलब आप देखो। अच्छा, ये क्या एडजस्टेबल होते हैं पूरे? हाँ, ये एडजस्टेबल है। नाइस nice, यार टू रिक्वायरमेंट आपको आप छोटे इसको बड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, मतलब लिवर जितने आपके रीच तक होंगे उस हिसाब से आप उसके जो ये प्रोटेक्टर है उसकी भी लेंथ आप आगे पीछे आप कर सकते हो। ये आप देख रहे हो गाइस, तो मेरे ख्याल से ये एलन की से अंदर की तरफ से यहाँ से चेंज हो जाती है इसकी लेंथ, तो मतलब अच्छा भला यहाँ पे आप लेंथ का मॉडिफिकेशन कर सकते हो। नाइस nice है। तो यार शोएब भाई ये आपने कहाँ से और कितने के लिए? ये भी मैंने करोलबाग से कराया, मैंने ये मुझे अराउंड 500 के पड़े। तो यार ये तो यार 500 के हिसाब से बहुत अच्छे क्वालिटी के लग रहे हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी है। नाइस nice यार, मतलब आपको अगर यार ये चाहिए जरूर से आप करोलबाग जाओ,
₹500 में आपको मतलब ये यानी कि शोएब भाई किसी भी बाइक पे फिट हो जाते हैं। हाँ, किसी यूनिवर्सल है। अरे यानी कि मतलब आपको मतलब कोई भी दिक्कत ही नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कोई भी बाइक पे आप यूनिवर्सल आप ये फिट के साथ जा सकते हो। ये आपको लिवर प्रोटेक्टर्स करोल बाग में मिल जाएंगे ₹500 के। और गाइस मतलब शोएब भाई कैसा रहा इसके साथ एक्सपीरियंस आपका? इसके साथ में बता सकता हूँ ट्रैफिक में ये बहुत काम करता है, क्योंकि ट्रैफिक में आप जानते हैं ट्रैफिक कैसा है, वहाँ इधर बहुत चिपक चिपक के बाइक चलती है, और बाय चांस क्या होता है कभी कभी ट्रैफिक में क्या होता है हैंडल बस 20 रुपये अड़ जाते हैं, तो ये मुझे बहुत प्रोटेक्ट करता है। सही बात है, मतलब सबसे ज्यादा हम लोग ऑटो रिक्शा वालों से परेशान है, उनसे तो ये मेरे ख्याल से बहुत बचाते होंगे, हाथ वाथ पे कभी चोट वोट आने से तो बहुत बचा लेंगे। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात, अगर बाइक गिरती है तो आपका लिवर एकदम भी बेंड नहीं होगा, आप सारा का सारा वेट ये ले लेगा। हाँ, तो यार ये बहुत जरूरी है, मतलब टूरिंग वूरिंग पर्पज के लिए तो मेरे ख्याल से क्रैश गार्ड और लिवर प्रोटेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बाइक के अंदर, जो हर राइडर को लगाने ही चाहिए। और शोएब भाई मुझे दिख रहा है कि फ्लैश, हाँ फ्लैशर भी लगा हुआ है बाइक के अंदर, आपको भूल गया, बट ये फ्लैशर ठंड का सीजन है, देखो बहुत ठंड है। मतलब आप चारों तरफ देखो गाइस, मतलब फॉग वॉग भी हो रखी है, आपको रोड की तरफ दिखाते हैं आगे की तरफ, मतलब पूरी फॉग हो रखी है। और अभी हम यहाँ पे आ रखे हैं इस लोकेशन पे, तो यार एक बार शोएब भाई फ्लैशर ऑन करके जरूर से दिखाओ यार गाइस। ओके गाइस, तो मतलब ये आगे पीछे चारों के चारों इंडिकेटर अलग सेम फ्लैशर के साथ लग जाते हैं, और इसमें आपको डिफरेंट पैटर्न भी मिल जाते हैं, तो आपको ये दिक्कत नहीं, आपको जैसे ही हिसाब से आपको पैटर्न चाहिए जिस हिसाब से चाहिए आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो शोएब भाई कितने पैटर्न आते होंगे इसके अंदर? 18 पैटर्न है। और आप अगर इसको इंडिकेटर चेंज कराते हो या आप आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट लगाते हो ATM के किसी और के भी, तो आपको उसमें भी अलग अलग मिल सकते हैं। नाइस इंडिकेटर ये, क्योंकि ये नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है ये, तो ये इसमें नॉर्मल इसमें जस्ट फ्लैश आता है, बट अगर आप KTM या दूसरे इसमें लगा दूसरे कोई आफ्टर मार्केट लगाते हो तो उसमें आपको पैटर्न अलग मिल जाते हैं। अच्छा, तो मतलब उसकी LEDs भी जो अलग अलग टाइप से जलती होंगी, क्योंकि इसमें 3-4 LEDs लगी हुई हैं, इसमें एक बल्ब लगे होते हैं, तो इस वजह से इसकी जो पैटर्न्स होंगी वो अलग टाइप के आएंगे। तो ये शोएब भाई पैटर्न जो चेंज होता है ये भी मेरे ख्याल से फ्लैशर का जो ये बटन है सिर्फ उसी से ही चेंज हो जाता है। हाँ। मतलब आप ऑन एंड ऑफ करो उसमें पैटर्न चेंज हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो यार ये तो बहुत हैंडी चीज है, फटाफट आप मतलब ऑन एंड ऑफ करके आप अलग पैटर्न में मूव कर सकते हो। और ये फ्लैशर बहुत काम करता है ठंड के टाइम पे, और तो आप देख रहे हो फॉग इतना ज्यादा है, कार में भले ही हमें मिल जाता है और इनबिल मिलता है, बट हमें बाइक में नहीं मिलता, और ये बाइकर्स और राइडर्स के लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज है, और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है हाईवे पे लॉन्ग टूर पे, कि आपको कुछ दिखता नहीं है और पीछे से जो बंदा आ रहा है उसको भी नहीं दिख पाता कि हाँ बाइकर चल रहा है। ऑल्दो हमारे पास जैकेट होता है बट वो रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है, अनलेस आपको रिफ्लेक्ट नहीं मिलता तब तो आपको जैकेट भी आप इतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है अकॉर्डिंग टू हीटिंग में। बिल्कुल भाई, फॉग के टाइम पे तो कोई लाइट तो आती है नहीं कि जिससे रिफ्लेक्ट कर पाए, तो उस टाइम के लिए फ्लैशर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्लैशर भी और प्लस आपके पास अगर फॉग लाइट है तो वो भी, बिकॉज येलो लाइट फॉग काटता है। बिल्कुल, तो आपने पढ़ाई वो सब नहीं पढ़ा है, तो ये अच्छा फैलता है, तो ये इजिली विजिबल हो जाता है आपको, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होती। फर्स्ट ऑफ जनवरी आपने देखा ही होगा कितनी ज्यादा जीरो विजिबल थी, वहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा था NS24 पे, मैं दिल्ली की तरफ जा रहा था तो वहाँ पर थैंक गॉड फ्लैशर था, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया। मैं आप मानोगे नहीं, NS24 पे कोई बंदा 10 की स्पीड से चला रहा हो, आप मान सकते हो? मतलब NS24 6 लेन का हाईवे है गाइस, और उस पे 10 की रफ्तार, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितनी धीरे चला रहे हो आप। बहुत ज्यादा धुंध थी भाई, मतलब जस्ट कुछ समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, कहाँ से निकाल लो कार, क्योंकि ऑल तो सारी कारें एकदम स्लो चल रही थी, कारों में फ्लैशर था तो कोई दिक्कत नहीं, बट जो बाइकर्स होते हैं बाइकर्स के पास कोई और ऑप्शन होता है, अगर आप फ्लैशर नहीं लगाते हो ट्रस्ट मी गाइस बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ फ्लैशर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एज अ बाइकर और अ राइडर। तो गाइस मतलब आपको मतलब शोएब भाई फ्लैशर ने बचा लिया ठंड के टाइम पे इस साल। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मतलब जरूर से गाइस आप मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो फ्लैशर में, बहुत सही होता है, मतलब पैटर्न्स तो अच्छे लगते हैं बट ये काम भी बहुत आते हैं, क्योंकि गाड़ियों को बाइक को देखने में फॉग में बहुत डिफिकल्टी होती है, और फ्लैशर की वजह से बाइक बहुत जल्दी विजिबल हो जाते हैं। तो यार ये थे हमारे कुछ बेसिक बट बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन जो हमने बाइक पे करवाए हैं, और आई गेस हमने एक और हमने मिस कर रहे हैं, जो हमारा मोबाइल होल्डर। एग्जैक्टली यार, एग्जैक्टली, मतलब मोबाइल होल्डर, तो मतलब ये जो होल्डर है ना भाई, ये मैंने खुद से मतलब टेस्ट कर रखा है, फोन लगाओ बाइक को आप गड्ढों में ले जाओ या स्पीड ब्रेकर पे उछालो, फोन हिलता तक नहीं है, मतलब इतना स्टडी मटेरियल से ये बना हुआ है। और ये भी मेरे ख्याल से शोएब भाई तब मेरे साथ ही गए थे पिछली बार जब हम करोलबाग से इसको लगवाया था, तो शोएब भाई कितने का लगवाया था ये वाला हमने? ये
400 का ये था गाइज, और ये सिल्वर कलर में है। हमने सोचा था ब्लैक कलर में होगा, बट लेकिन ब्लैक कलर अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट ब्लॉग में भाई ये आपको ब्लैक मिलेगा, हम उसका अब जुगाड़ कर रहे हैं। और यार बहुत लोग का एक क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था यार, बाइक का एवरेज क्या आ रहा है। पिछली बार भी क्वेश्चन था बहुत ज्यादा कि यार बाइक का एवरेज क्या आ रहा है। मेरे ख्याल से अभी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है और सेकंड सर्विस होने वाली है, तो यार अब बताओ शोएब भाई आपका क्या एवरेज रहा अभी बाइक के साथ। और समय स्टार्टिंग में एवरेज कम आई थी तो, बट अब मैं बता सकता हूँ कि एवरेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है फर्स्ट सर्विस के बाद से। मैं खुद गलत फील कर रहा हूँ कि मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी, बट मैं इस चीज़ को करेक्ट करना चाहूँगा और मैं आपको सिखाता हूँ। मैं भी आपको विश्वास ना हो, मैं 52.6 और 7 की मुझे वो आ रही है एवरेज 52 की गाइस, मतलब एवरेज, मतलब आप सोच सकते हो गाइस। अब दिखाएंगे हम आपको, यार ये देखो ये जो आपको लिखा हुआ आ रहा है एवरेज 52.7 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, तो ये है गाइस इस टाइम का एवरेज जो बाइक का अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे लिखा हुआ आ रहा है, प्लस ये पूरा कैलकुलेटेड आ रहा है। मतलब यार, मतलब एक प्रॉपर अच्छी नेकेड स्पोर्ट्स बाइक 52 का एवरेज यामाहा जैसा ब्रांड, मतलब MT से बढ़िया कुछ हो नहीं सकता भाई। तो गाइस यार ये था हमारा वीडियो MT-15 के ऊपर, जरूर से आप बताना कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और आपसे मिलते हैं गाइस फिर अगले वीडियो में। थैंक्स शोएब भाई इस वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।